सांसद बनने के बाद पहली बार फिरोजाबाद पहुंचे अक्षय यादव, हाथ जोड़कर जनता का किया धन्यवाद। बोले कि जो वादे किए थे पूरा करेंगे। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद अक्षय यादव बतौर सांसद फिरोजाबाद में पहली बार पहुंचे, जहां उन्होंने जिलेवासियों की जनता को जिताने के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि आने वाला 2027 का चुनाव समाजवादी पार्टी के पक्ष में होगा। कहा कि हमने जो वादे चुनाव से पहले किए थे उन्हें पूरा करेंगे। दोपहर अक्षय यादव समाजवादी पार्टी के कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ जिले की जनता का आभार व्यक्त किया। कार्यकर्ताओं ने बुके देकर उनका जोशीला स्वागत किया। उन्होंने कहा कि प्रमाण पत्र ले जाने के बाद वे पहली बार बतौर सांसद आए हैं, जनता ने उन्हें जिताने के लिए कड़ी मेहनत की, आगे भी वे इसी तरह मेहनत करते रहें। वर्ष 2027 के चुनाव के परिणाम सपा के पक्ष में होंगे। चुनाव से पहले उन्होंने जितने वादे जनता से किए थे, जिसमें जसराना और टूंडला विधानसभा के अलावा अन्य विधानसभा क्षेत्रों में व्याप्त बिजली, सड़क और पानी की समस्या शामिल है, उनका निदान कराएंगे। जिन क्षेत्रों में खारे पानी की समस्या है वहां भी मीठा पानी लाने का काम करेंगे। कुछ दिन बाद से ही लोकसभा क्षेत्र में काम दिखना शुरू हो जाएगा। जाम से लोगों को निजात दिलाने के लिए काम किया जाएगा। करहल विधानसभा से अखिलेश यादव के इस्तीफा देने के बाद प्रत्याशी के नाम के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह पार्टी हाई कमान तय करेगा किसको टिकट देना चाहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब क्या तैयारी है और क्या क्या कमी फिरोजाबाद में आपको लगती है जो आप पूरी करेंगे? देखिए, जो जो हम लोगों ने वादे करे थे वो सारे वादे हम लोग पूरे करेंगे। क्षेत्र में पहुंचेंगे, जहां सड़क नहीं वहां सड़क हो, पानी की समस्याएं हैं जो टूला विधानसभा में और जसराना में उनको पूरा करना, जो इधर सुखाबाद और टूला का क्षेत्र जिनमें सड़क बननी है, कनेक्टिविटी जोड़नी है, उनका काम, फिरोजाबाद को जाम से निजात दिलाने का काम, ये सारे काम है जिनको वादा करे थे जो हम लोग चालू कर देंगे जल्दी से। और आज पहली बार आए हैं, सर्टिफिकेट लेके जब यहाँ से गए थे उसके बाद सभी लोगों को धन्यवाद देने आए हैं, सभी को कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दे रहे हैं और जल्दी से इस पूरी विधानसभाओं में धन्यवाद कार्यक्रम भी हम लोग करेंगे और जनता के बीच पहुँच कर जो उनसे कहा था जहाँ वहाँ काम होने वो जगह पहुँच कर उन काम को भी पूरा करवाएंगे। समाजवादी पार्टी की बन गई होती अभी, लेकिन ये लोकसभा में भी हम लोग देखें, अगर उत्तर प्रदेश अगर अकेला क्षेत्र होता तो सरकार इंडिया गठबंधन की बन गई होती, और जो अगला चुनाव होगा वो समाजवादी पार्टी के पक्ष का होगा। और जो मेहनत करी हमारे कार्यकर्ताओं ने वैसी मेहनत करते रहें, लगे रहें, जनता के बीच जाएं और जनता को जोड़ने का काम करें, बाबा साहब के रास्ते पर चलने का काम करें और सभी लोगों को साथ लेकर चलें, यही काम हम लोगों को करना है। अखिलेश जी ने करहल से इस्तीफा दे दिया, दरबार से कौन आ रहा है? अब इस्तीफा दिया, टिकट तय होगी, कौन लड़ता है देखते हैं हम लोग।